अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक यू मिल के किचन में आपको खुश आमदीद करते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये भी साइड लाइन के तौर पे पेश की जाती है मूमन दस्तरखान के ऊपर या टेबल के ऊपर। कोई भी मेन डिश आप बताते हैं बना रहे होते हैं तो उसके साथ अगर आप उसको साइड लाइन में पेश करेंगे तो ये एक तो इकनॉमिकल होती है और दूसरा ये कि दस्तरखान में एक चीज़ का इजाफा हो जाता है और एक ही डिश के ऊपर सारा लोग कॉन्सनट्रेट नहीं कर रहे होते, फिर वो दूसरी डिशेस ये जैसे इस टाइप की साइड डिश हो गई इसके ऊपर भी लोगों की तवज्जो होती है। और इकोनॉमिकल भी इस लिहाज से पड़ती है कि अगर आपने थोड़ा सा सालन बना लिया किसी भी चिकन का, मीट का, कीमा या कोई भी ऐसी चीज़ उसमें साइड में ये बहुत अच्छी जाती है। शोरबे वाली जो डिशेज़ होती हैं उनके साथ ये अच्छी लगती है क्योंकि ये भुनी हुई होती है। तो आज जो मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ रेसिपी वो है मूंग की फरेरी दाल। अमूमन घरों में पहले बहुत बनती थी, अब शायद थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कम हो गई है, लेकिन एक ही मील के किचन से जा रही होती है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। हम हर वो रेसिपी शेयर कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड होती है, ट्राइड होती है और हमारे लोगों में जो एक ही मील के कस्टमर और क्लाइंट्स हैं उनमें पसंद की जा रही होती है और फैमिली में तो हमारे यहाँ ऐसी जो गेट टुगेदर्स होते हैं उनमें पसंद की जाती है। तो इस मूंग की दाल की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ बताऊँ कि वो क्या क्या चाहिए। मेन इसका इंग्रेडिएंट है ये मूंग की दाल, ये मूंग की जो हरी दाल होती है छिलकों के बगैर वाली पीली दाल जो कहलाई जाती है ये वो है, ठीक है। मूंग की धुली हुई दाल ये है हमारे पास एक पाव तकरीबन 250 ग्राम। इसके साथ हमें चाहिए एक दरमियानी प्याज, ले लीजिए आप उसको इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट लीजिए। अच्छा, एक से दो टमाटर ले लीजिए, वो चॉप कर लीजिए तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम हमारे पास है ये 1 कप, और ये प्याज भी तकरीबन 1/2 कप बन जाएगी आपको। एक गड्डी और दो गड्डी का रेशो है, दो टमाटर का रेशो है दरमियाने साइज़ का। अच्छा, इसके साथ जाती है सूखी मेथी, ये हमारे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक है हमारे पास, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी है 1 टीस्पून, 2-3 लौंगे इसमें जाएंगी और 2-3 काली मिर्चें, ठीक है। लाल पिसी हुई मिर्च इसके साथ जाएगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा और 1 से 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लीजिएगा। ऑयल हमारे पास जाएगा इसमें तकरीबन 1/4 कप, आप देख लीजिएगा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये फरेरी होती है, थोड़ा सा इसमें ऑयल का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा रखते हैं ताकि वो ड्राइनेस सी फील ना हो। अब इन सब चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर करना है इस दाल को, इन चीज़ों को लेके ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं आपको बताना भूल गई कि सभी को पता होता है कि लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये जो दाल है मैंने इसको तकरीबन 1/2 घंटे धो के अच्छा सा भिगो दिया और भिगोने के बाद ये मेरे पास तैयार दाल है। बीटी भी देखिए वो दाल थी, उतनी ही ग्राम है 250, और देखिए कितनी सारी हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं आपको प्रिपेयर करके बताती हूँ कैसे प्रिपेयर होती है। अच्छा, देखिए एक पैन ले लिया, पतीली ले ली, कढ़ाई ले ली, नॉन स्टिक जाए जो आपका दिल करे आपने ले लिया, और इसमें हमने ये हम लोग ज़्यादातर स्टील का जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो बस आपने ये ऑयल डाला। और अब हम इसमें ये जो प्याज बताइए स्लाइसेस में कटी हुई ये हम इसको हल्का सा सौते करेंगे, गुलाबी पे आएगी प्याज, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें मज़ीद क्या करना है। अच्छा, आप देखिए ये देख रहे हैं कितना प्यारा सा गुलाबी सा कलर आ गया, तेज़ नहीं होनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बस इतने इस कलर के बाद हम क्या करेंगे इसमें ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, नमक, लाल पिसी मिर्चें, हल्दी, लौंगे काली मिर्चें और ये टमाटर को भूनूंगी मैं। इसे मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मुझे अंदाज़ा है, आप चाहें तो मेजरमेंट से डालिएगा। बस जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, एक अच्छा सा मसाला प्रिपेयर नहीं हो जाएगा, मैं इसमें दाल अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ठीक है। इस टाइम पे मैं इसको करूंगी कवर और आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको जब ढक्कन ढका और इसका देखिए कितना सा
अच्छा सा टमाटर अपनी जगह घुल चुके, बस हल्का सा मैं इसको प्रेस करते हुए मिक्स करके टमाटर के मसाले को, देखिए कितना सा तैयार अच्छा तैयार हुआ। अब ये ऑयल इसके ऊपर आ गया, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो ये दाल हमने भिगोई हुई है इसको हम इसमें शामिल कर देंगे बस। अच्छा, ये चूँकि फरेरी दाल है तो इसमें बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे चावल बनते हैं, अलग अलग एक एक दाना नज़र आना चाहिए, यही इसकी खूबसूरती होती है। अब हमने क्या करा, ये दाल डालने के बाद हम बस मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको पकाने के लिए ज़्यादातर बेचारे कोशिश करते हैं इसको फरेरी बनाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके सॉफ्ट हो जाती है, तो इसका तरीक़ेकार जो मैं बताऊँगी ना उसको आप फॉलो कीजिएगा तो हर एक से अच्छी खड़ी खड़ी फरेरी दाल बनेगी। इसका तरीका सिर्फ इतना है कि दाल तो पहले से भीगी हुई है, ठीक है ना, इसमें अपना भी पानी छोड़ेगी ये। अब हम इसमें तकरीबन डालेंगे, मैं आपको डाल के फिर बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, बस ये दाल इतनी इतनी कि थोड़ी सी कवर हो जाए। तकरीबन ये समझ लें 250 ग्राम जो दाल मैंने भिगोई है उसके अंदर एक कप पानी गया है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। उसकी वजह ये है कि फिर वो फरेरापन नहीं आएगा दाल के अंदर, वो दाल जो है ना वो बैठ जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, जैसे खड़ी खड़ी दाल नहीं रहेगी। आप इसको इवेंट के तौर पे बनाएं, टू गेट टुगेदर में बनाएं, आप कहीं पर भी, तो ये बड़े मज़े की एक अलग सा लुक देती है, ठीक है। बस अब इसको मैं करती हूँ कवर और फ्लेम को करती हूँ थोड़ा सा मीडियम, ठीक है, हाई नहीं करिएगा, मीडियम पे इसको बनाना है ताकि ये पानी भी खुश्क होगा, और जब ये दम पे मैं रखने लगूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसको दम पे रखेंगे। इसको मैं करती हूँ कवर और आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। अच्छा, आप देखिए 5 मिनट हो चुके और इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका, बस सिर्फ इतना रहना चाहिए पानी, और अब मैं इसको दम पे छोड़ूंगी बिल्कुल लो फ्लेम करके और ढक्कन ढाक के, बस इसको दम पे रखती हूँ, फिर आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लगेगी। अच्छा व्यूअर्स, देखें अब मैंने चूल्हा कर दिया इसका बंद, ये बिल्कुल दम पे आ चुकी है, और इस टाइम पे मैं ये जो सूखी मेथी मैंने आपको दिखाया था ये इसमें हल्की सी डाल के और बस मिक्स करके और आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। मैंने कहा मेथी भी आपके सामने डालूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं चाहती तो डाल सकती थी लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं की है, लेकिन मैंने कहा फिर भी ये स्किप ना हो, ये जो है टिप भी आपके साथ, बस मैं अब आपको इसको प्रेजेंट करके दिखा। जी व्यूअर्स, देखिए ये मूंग की फरेरी दाल प्रिपेयर है आपके सामने, और मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊँ, ये देखें ये बिल्कुल अलग अलग हुई हुई है जैसे चावल बनते। अगर आप इसी रेसिपी को जो मैंने आपको बताई है इन्ग्रीडियंट्स को लेके इसको फॉलो करेंगे तो हर एक की बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी कि वो बिल्कुल नहीं बैठेगी और उसके गुठल नहीं बनेंगे और वो जमा नहीं होगी एक दूसरे का चावल की तरह, और बिल्कुल अलग अलग रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा पका के। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।